अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूँ इजी ट्रैवल के साथ अब्दुल कदीर, और इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद G13 में स्ट्रीट 10 के पास। यहाँ हम एक ज़रूरी काम से आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आपका हाल चाल पूछ लूँ। ईद के तीसरे दिन हमारा व्लॉग आया था, उसके बाद से फिर थोड़ी सी मसरूफियत चल रही थी। आज इस्लामाबाद में हूँ, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, दिन का तकरीबन 1 बज चुका है और आसमान पर बादल हैं। अभी गो के बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मौसम बेहतर है, पसीना वगैरह कोई नहीं आ रहा, सब अच्छा है। तो ये आपको मैं इस्लामाबाद का हल्का सा व्यू दे दूं। ठीक है, कुशादा सड़कें हैं, पुरसकून माहौल है, लेकिन श्रब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी रेनी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी श्रब्स हैं, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा। और ये जो श्रब्स हैं, ये यकीनन जिसको उर्फ आम में भंग कहते हैं, ये वो बूटी है जो बड़ी हुई है, लेकिन इस्लामाबाद या जिसको आप कह सकते हैं कि कैपिटल अथॉरिटी है, वो इसको साफ़ करने में मेरे ख्याल में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इसकी वजह से होप्स हो कि बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ पैदा होती होंगी, जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा पैदा होते होंगे, जैसे कि स्नेक हो गए या उस तरह की चीज़ें, तो डेंजरस है, इसको साफ़ करना चाहिए। बाकी तस्वीर के दो रुख होते हैं हर जगह के, मेन होल गटर ओपन है, ये आप देख सकते हैं, ये एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ काम करने वाला होता है, जिस पर इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए। तो बाकी यहाँ पे सब अमन है, हम भी तकरीबन आधे घंटे के लिए यहाँ पर हैं। ये मेरे पीछे बिल्कुल एक छोटी सी मार्केट है, जो इसी एरिया को जो है वो कवर कर रही है। तो